So assalamu alaikum my family, welcome back to the channel. I hope you all guys are doing good. So guys, we are going to start one another vlog. बहुत दिनों बाद आज हम करने जा रहे हैं और एक vlog start. जैसे कि आपको पता ही कि हम ना आज बहुत बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं vlog for some reasons. तो वो भी आपसे share करेंगे बाद में. फिलहाल जो है आपको पता ही है कि कल जो है रमजान का पहला दिन है, मतलब पहला रोजा जो है कल रखना है. इंशाल्लाह सारे भाई रखेंगे कल पहला रोजा और माह रमजान में जो है बराबर 30 दिन रोजा रखेंगे इंशाल्लाह. दुआ वुआ करेंगे सबके लिए. बाकी जो है बहुत ही अच्छा जा रहा है हमारा भी. आप बताओ कमेंट्स में आपका कैसा जा रहा है. तो फिलहाल हमने सोचा कि आज बहुत दिनों बाद जो है मार्केट राइड लगाएंगे एक मस्त सी बाइक पे, क्योंकि फिर रमजान है उसमें भी राइड्स करेंगे हम. लेकिन कम कम क्योंकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं उसकी वजह से थोड़े जो है व्लॉग्स बहुत दिनों बाद गेप रहेगी ज्यादा. तो देखते हैं क्या सीरत है. फिलहाल हमने सोचा कि आज हम करेंगे एक मस्त सा व्लॉग. सबसे पहले आपको और आपकी फैमिली को हमारी तरफ से एडवांस में रमजान मुबारक. बराबर जो है 30 रोजे रखना सारे. तो यहाँ से आज 10th क्लास का पहला पेपर होने जा रहा था. तो उनको भी अल्लाह जो है कामयाबी दे. तो हमें भी एग्जाम है 11th के. देखते क्या सी रहता है. फिर अभी जो है 10-20 दिन है हमारे पहले पेपर में. तो फिलहाल हम निकलते हैं घर से रेडी वेडी होके, मतलब नोट वाला के सेटअप. देखते हैं क्या सी, अगर हमें लगा कि कैमरा लगाएंगे हेलमेट में, क्योंकि उसको जो है माइक कन्वर्टर वो TRS पहला टूटा था. तो देखते हैं, वैसे तो वॉइस ज़्यादा दूर तक रिकॉर्ड नहीं कर पा रही है. देखते हैं अब क्या सी, अगर नहीं तो फिर हम कैमरा सी करेंगे अपने फ़ोन से व्लॉग आज. तो फिलहाल हम निकलते हैं मार्केट एक मस्त सी राइड के लिए, क्योंकि कल से रमज़ान है. तो फिर कम कम व्लॉग करेंगे. उस रमज़ान में जो व्लॉग्स आएंगे वो बहुत ही खास होंगे और बहुत ही अच्छे लोग होंगे. उनको बिल्कुल भी मिस मत करना. चैनल को जो है सब्सक्राइब करना. जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब कि जो नया है चैनल पे, वो सब्सक्राइब करना जरूर. लाइक कमेंट शेयर. बाकी तो पता ही है बेल आइकन को ठोक रहा है. जो हम निकलेंगे ये देखो ग्लोव्स व्लोव्स हेलमेट वगैरह हमने लिया. तो आज हम फोन से व्लॉगिंग करेंगे. ये देखो जी फोन का माउंट हमने लगा लिया. हमने जो ये छोटा सा बैग उठा लिया. ये देखो जी इसमें जो हमने माइक वगैरह रखी, माइक और हेडफोन एक काम आता है. देखो जी माइक वगैरह हमने सारा इसी में रखा लगता है बाइक पे ऐसा बैग. तो ये भी हमने साथ उठाना है आज. उस नेक वगैरह इसमें रखा. तो फिलहाल हम निकलते हैं घर से सीधे. रेडी वेडी हम हो गए, कपड़े वगैरह हमने लगा लिए. तो फिलहाल हम निकलते हैं सीधे घर से, मिलते हैं आपको आगे. देखो जी बाइक को जब हमने कोल्ड स्टार पे रखा है, तो अब निकलेंगे सीधे घर से, मिलेंगे आपको आगे. बाइक को कोल्ड स्टार हो जाएगी. तो बाइक की हालत जो है कितनी गंदी हो गई आज देखते हैं. फिर अगर टाइम मिला तो वॉश भी करवाएंगे. फिलहाल हम निकलते हैं सीधे घर से. पहले हम पहुंच गए सीधे पेट्रोल पंप की ओर. पहले यहाँ पे जो है पेट्रोल फिल करेंगे, उसके बाद निकलेंगे मार्केट ड्राइव के लिए. गाइस हमने जो है बोला था कि हम जाएंगे पहले मार्केट. मार्केट राइड हमने लगाया. हमने जो है फ़ोन उस टाइम जो है माउंट में नहीं लगाया, क्योंकि आड़ होता है कि फ़ोन रखेंगे हेलमेट में. कैमरा होता था तो अलग ही बात होती थी. करते हैं मार्केट में भी करते थे व्लॉगिंग ये कैमरा से, तो ऐसे जो है फ़ोन से आड़ी होती है. तो हम आ गए सीधे अब दूसरी लोकेशन पर. यहाँ पर जो है तकड़ी लोकेशन है. यहाँ पे एक दो महीने कुछ दिन बाद मतलब 10-20 दिन बाद यहाँ पर जो है व्यू बहुत ही तगड़ा होता है. आज भी व्यू बहुत ही अच्छा है. आप चेक करो. ये देखो जी ये भी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ये बोनोरा में. ये चेक करो यहाँ से कितना तगड़ा व्यू है. तो हम भी आ गए यहीं पे. रील्स वगैरह फोटो शूट करेंगे, क्योंकि रमज़ान आने वाला है. उसके लिए भी बहुत सारी रील्स जो हमें शूट करनी है. तो हमने सोचा वो यहीं पे करेंगे. तो हम आ गए इसीलिए इसी लोकेशन पे. यहाँ से हमने बोला था कि मैंने जो है बोला अभी कि मतलब कि फ़ोन से आउट होता है थोड़ा मार्केट वार्केट में. बोलते कि फ़ोन लगा के घूमता है. कैमरा की बात ही अलग है. क्वालिटी लो ही है फ़ोन से. उससे जो है मतलब कि अलग ही वही बात है व्लॉग शूट करने में, क्योंकि लगता है कि व्लॉगिंग कर रहा है. मतलब ऐसे लगता है कि कुछ रिएक्शंस वगैरह उठा रहा होगा मार्केट में. गलत ही होता है ऐसे. वहाँ पे फिर ब्लर वगैरह लगाते हैं जब कोई ऐसा सीन हो. तो फिलहाल हम आज इसलिए व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जो कन्वर्टर था परसों वो टूट गया. हमने ऑर्डर करा है, उसको लगता है 12 दिन लगभग आने में. तो तीन चार दिन हो गए, अब 7-8 दिन और लगेंगे. तो फिर उसके बाद जो है हम करेंगे तगड़े ब्लॉग शूट उसी से. रमज़ान में भी इंशाल्लाह आएंगे ब्लॉग अच्छे अच्छे खास ब्लॉग्स, वो बिल्कुल भी मिस मत करना. तो बाकी व्यू यहाँ से चेक करो जी कितना अच्छा व्यू है यहाँ से. तो हम निकलेंगे पहले वहाँ पर कुछ रील्स वगैरह. ये देखो जी यहाँ पर हम कुछ रील्स वगैरह शूट करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे क्या सीन रहेगा हमारे साथ. तो फिलहाल मैंने बाएं हाथ से जो है कैमरा पकड़ा, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है. दाएं हाथ से पकड़ेंगे तो गिर ना जाए फोन, फोन की हड्डियां टूट जाएंगी. तो ये चक्कर यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से. ये देखो जी कितना दूर दूर तक फैला है. ये देखो जी खुला मैदान जैसा है.
तो हम भी आ गए थे यहीं पे, तो हम जाएंगे यहाँ से सीधे आगे की और वहाँ पे रील्स वगैरह जो शूट करेंगे तगड़ी, उसके बाद देखते क्या सीन रहता है। यहाँ से जाने के टाइम जो है मार्केट में हम थोड़ा सा शूट करेंगे व्लॉग, तो उसके बाद देखते क्या सीन रहता है, थोड़ा सा करेंगे। हमने जो है वहाँ पे रील्स वगैरह बहुत सारी शूट करी और अच्छी भी, क्योंकि रमजान आने वाला है तो उसके लिए हमने जो है इस्लामिक रील्स को शूट करी। वो इंस्टा पे जाके जरूर देखना, बहुत ही प्यारी रील्स। देखो जी बाइक हमने रखी थी यहाँ पर, यहाँ से हम आए थे ऑफ रोड करते, ये भी ऑफ रोड ही समझो इस बाइक पे, मतलब ऐसा रास्ता तो ऑफ रोड ही है। तो हम आए थे यहाँ पे, आप हमने सोचा कि हवाई वहीं पर लेंगे वहाँ अंदर, वहाँ पे कुछ पिक्स वगैरह जो क्लिक करेंगे उसके बाद ही हम निकलेंगे। लेकिन रील्स जो है नेक्स्ट लेवल हमने शूट करी, क्योंकि इस्लामिक रील्स थी तो अच्छी तो होगी। तो फिलहाल हम बाइक लेके जाते हैं सीधे अंदर, जो हम आ गए अंदर, यहाँ पे हम रील्स वगैरह शूट करेंगे तगड़ी। हमने पहले ही जो है इस्लामिक रील्स वगैरह शूट करी, मैंने बोला पहले ही, तो हमने बाइक जो है यहाँ से अंदर लाई। हमने सोचा और रील शूट करेंगे बाइक के साथ, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेंगे, तो उसके बाद सीधे मिलेंगे आपको निकलने के टाइम पे, आपको मिलेंगे सीधे। फिलहाल हम शॉर्ट्स दो तीन डालेंगे इसमें व्लॉग में, तो वो देखना और इंस्टा पे जाके फॉलो करना। यहाँ पे जो हमने रील्स वगैरह शूट करी इस लोकेशन में, मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज करे क्योंकि 5-6 रील्स हमने यहाँ पे शूट करी। तो अब निकलेंगे यहाँ से सीधे, देखते क्या सीन रहता है, फिर निकलेंगे मार्केट की ओर, तो मिलेंगे आपको सीधे मोटर व्लॉग के सेटअप में। निकलने वाले अब यहाँ से सीधे हम, ये देखो जी। तो फिलहाल हम यहाँ से निकलेंगे सीधे, के टाइम भी हमने मार्केट में जो शूट नहीं करा था व्लॉग, तो अब यहाँ से जाके थोड़ा सा करेंगे, देखते क्या सीन रहता है। फिलहाल हम यहाँ से निकलेंगे, ये देखो जी कितनी प्यारी लोकेशन यहाँ पे, बिल्कुल ऑफ रोड वाला सीन पिछले व्लॉग की तरह। निकलते हैं यहाँ से जी सीधे, देखते सीधे आपको आगे शूट की। तो आए देखो जी गाइस, फिलहाल हम पहुंच गए मार्केट में, तो देखते हैं क्या सीन रहता है यहाँ से। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ये देखो जी, एक चेक करो कितना ट्रैफिक है यहाँ से लोग भी बहुत ज्यादा है। तीन साल से जो है माह रमजान है, उसकी तैयारी भी हो रही है यहाँ पे, ये लोग ज्यादा है। अब हम जाएंगे यहाँ से सीधे घर की ओर, मिलेंगे आपको सीधे घर में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम आ रहा है, वॉइस थोड़ी सी खराब आ रही होगी, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो हम मिलेंगे आपको सीधे घर में, तब तक के लिए बाय। हम पहुंच गए वापस घर, बहुत ही ज्यादा मजा आया आज की राइड में, और हमने रील जो है नेक्स्ट लेवल शूट करी। मैंने पहले ही बोला क्योंकि वो इस्लाम की रील्स थी, माह रमजान के रिलेटेड वो रील्स थी, वो जाके जरूर देखना इंस्टा पे सैमी 76 के नाम पे, या सामी रशीद सीधे सर्च करना, वहाँ पे जाके जरूर फॉलो करना और जो है उस पर प्यार दिखाना, इस ब्लॉग पे भी प्यार दिखाना, क्योंकि आज जो है अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं माह रमजान के महीने में, मतलब कुछ गलत नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करेंगे आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी अच्छे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।